आप सलमान खान के फैन हो या ना हो, लेकिन आपने उनकी एक खास बात जरूर नोटिस की होगी, वो है उनके हाथ में हमेशा दिखने वाला ब्रेसलेट। एक बार जब एक डायरेक्टर ने उनसे फिल्म की शूटिंग में ब्रेसलेट पहनने के लिए मना किया, तो सलमान ने उस फिल्म को ही छोड़ दिया। आखिर क्या है इस ब्रेसलेट में और क्या है इसे पहनने की वजह? चलिए आज आपको सलमान के इस ब्रेसलेट का सीक्रेट बताते हैं। सलमान खान के ब्रेसलेट को लेकर अलग अलग कहानियां फैली हुई हैं। कोई कहता है ये ब्रेसलेट उनके पिता सलीम खान ने उन्हें गिफ्ट किया था, तो कोई कहता है कि जब ऐश्वर्या राय सलमान की गर्लफ्रेंड थी तब उन्होंने ये ब्रेसलेट पहनाया था। लेकिन ये सभी बातें मात्र कोरी अफवाह हैं। इस ब्रेसलेट से जुड़ी हुई कहानी कुछ और ही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सलमान खान ने इस ब्रेसलेट को कई साल पहले चुराया था। ये बात 90 के दशक की है। हूबहू ऐसा ही ब्रेसलेट सलीम खान पहना करते थे। एक बार जब वे अपने घर में सोए हुए थे, तब सलमान खान ने उनके हाथ से ब्रेसलेट निकालकर अपने हाथ में पहन लिया। सलमान के छोटे भाई सुहेल भी उस वक्त वहीं मौजूद थे। सुहेल ने सलमान से कहा कि उनके हाथ में ये बहुत कूल लग रहा है, इसलिए वो भी ऐसा ही ब्रेसलेट ले लें। उसके बाद सलमान ने ठीक वैसा ही ब्रेसलेट बनवा लिया। सलमान खान के इस ब्रेसलेट में जो नीले रंग का नग है वो फिरोज रत्न है। कहते हैं ये नग इंसान की सुरक्षा करता है। और ये ब्रेसलेट कुछ ज्यादा महंगा नहीं है, इसकी कीमत कुल 55,000 रुपए है। हालांकि कई लोग ऐसा मानते हैं कि जब से सलमान ने इस ब्रेसलेट को पहनना शुरू किया है तब से उनकी जिंदगी बदल गई है। एक दौर था जब सलमान की फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हो रही थी, लेकिन जब से उन्होंने इस ब्रेसलेट को पहना उनकी किस्मत पलट गई। आज सलमान खान बॉलीवुड के सबसे दबंग हीरो बन गए हैं। अब जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन सच वही है जो हमने आपको बताया। फिलहाल आपको कैसी लगी सलमान खान के ब्रेसलेट की ये कहानी, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ज्यादा ऐसी ही अनोखी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।